यहाँ लगता है दुल्हनों का बाजार। पैसे दो दुल्हन खरीदो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी जगह के बारे में जहां लगता है दुल्हनों का बाजार। हो गए ना हैरान, लेकिन ये सच है। ऐसा ही एक देश है जहां दुल्हनों का बाजार लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूं कि कहां लगता है दुल्हनों का बाजार। पैसे देकर अपनी मनपसंद दुल्हन ले जाते हैं घर। जैसे कि आपको पता ही है, ज्यादातर लड़के वाले दहेज लेते हैं। लड़की वाले लड़के की मांग के अनुसार कार या कैश देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे देश के बारे में बताऊंगी जहां इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ लड़कों को लड़की के परिवार वालों को पैसे देने होते हैं। बाजार में जो लड़के ने लड़की पसंद की होती है, उसी लड़की को लड़के के घर वालों को बहू मानना होता है। जी हाँ, जहाँ लगता है दुल्हनों का बाजार, वह देश है बुल्गारिया। स्टारा जगाओ नाम की जगह पर हर 3 साल बाद दुल्हनों का बाजार सजाया जाता है और यहाँ आकर दूल्हा अपनी मनपसंद दुल्हन खरीद ले जाता है। यह मेला उन लोगों के द्वारा लगाया जाता है जिनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं होती, जो अपनी बेटी की शादी का खर्च नहीं उठा सकते। बाजार में लड़कियों को दुल्हन की तरह सजा के ले जाया जाता है। बिकने वाली दुल्हनों में लगभग हर उम्र की लड़कियां और महिलाएं शामिल होती हैं। दुल्हन खरीदने के लिए अक्सर दूल्हे के परिवार वाले भी साथ पहुंचते हैं। दूल्हा पहले अपनी मनपसंद दुल्हन पसंद करता है, फिर उससे बात करने का मौका दिया जाता है। लड़की पसंद आने पर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है और लड़की के परिवार वालों को तय हुई रकम दी जाती है। दुल्हन बेचने का चलन गरीब परिवारों में यह कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और इस पर कोई कानूनी रोक नहीं है। ये बाजार बुल्गारिया के कलाई दहेजी समुदाय द्वारा लगाया जाता है। समुदाय के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति दुल्हन नहीं खरीद सकता। बाजार में लड़कियां अकेले नहीं आती, उनके साथ घर का कोई सदस्य या परिवार जरूर होता है। ये थी SM न्यूज रिपोर्ट।